के इस न्यू वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट्स ऑफ बीपीओ। डिपार्टमेंट्स ऑफ बीपीओ पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो डिपार्टमेंट होता है, आपने देखा होगा हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि परचेजिंग वाला डिपार्टमेंट अलग है, सेलिंग वाला डिपार्टमेंट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर कंपनी, हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे वॉइस बीपीओ डिपार्टमेंट्स कितने टाइप्स के। हमारे वॉइस बीपीओ डिपार्टमेंट्स टाइप्स के हैं, पहला है बैक ऑफिस, दूसरा है फ्रंट ऑफिस। बैक से ही पता चलता है, यानी कि वो ऑफिस जो हमें पीछे से सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एक स्कूल का। स्कूल में आपने देखा होगा जो हमारे रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते हैं। रिसेप्शनिस्ट क्या होता है एक स्कूल का, एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसेप्शनिस्ट, वो क्या होता है हमारा फ्रंट ऑफिस होता है, जो क्या करता है इंटरेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ। बट उसका जो बैक ऑफिस होता है वो क्या होता है, बैक ऑफिस यानी कि वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, जो हमारा फॉर्म वगैरह फिल करता है, या हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो वर्क है उस चीज को देखता है, या जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, या फिर जो हमें एचआर डिपार्टमेंट जैसे कि कंपनी में जो हमें हायर करते हैं, जो हमारे कैंडिडेट को हायर करता है बिजनेस। ठीक है, ये होता है हमारा बैक ऑफिस। अब देखिए बैक ऑफिस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहती है। बैक ऑफिस एक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है जो सपोर्ट करता है फ्रंट ऑफिस को, बट नॉट डायरेक्टली, यानी कि वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, वो इनडायरेक्ट पीछे से उसे सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी अगर कस्टमर इंटरेक्ट होता है मेरे फ्रंट ऑफिस से, यानी कि जो इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट को लेने में, अब वो प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है, यानी कि मेरा जो फ्रंट ऑफिस वाला वर्क है वो तो सिर्फ अपना लीड्स बनाएगा, वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, अपने कस्टमर्स को बनाएगा, बट उनका जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है या मेरे जो एम्प्लॉइज वगैरह का वर्क है वो कौन करेगा, वो मेरे बैक ऑफिस वाले करेंगे। ठीक है, तो ये थी एक टेक्निकल डेफिनेशन जिसमें बोला है कि वो पर्सन जो पीछे से क्या करते हैं, सपोर्टिंग रोल करते हैं, यानी सपोर्ट करते हैं हमारे फ्रंट ऑफिस वाले। देखते हैं बैक ऑफिस के भी कई पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, दूसरा है फाइनेंस डिपार्टमेंट, तीसरा है एचआर डिपार्टमेंट, चौथा है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क को देखता है। अभी मैंने एग्जांपल में बताया था कि जैसे भी कोई भी हमारा जो कस्टमर है, अब वो जो कस्टमर मेरा इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने में, तो डेफिनेटली जो उसका वर्किंग फॉर्म वाला जो वर्क होता है, पेपर वर्क वाला, वो कौन करेगा, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। मेरे अगर कंपनी में कोई भी न्यू कैंडिडेट हायर होता है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, उसका पूरा नेम, कहाँ से है वो, उसके क्या क्वालिफिकेशन है, वो पूरा जो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि पेपर वर्क जो होता है वो कौन करता है, वो कौन देखता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले लोग देखते हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो टोटली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो करते हैं उससे रिलेटेड है। अब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि जिस कस्टमर को हमने अट्रैक्ट, जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए एग्री हुआ है, जो मेरा प्रोडक्ट ले रहा है, अब वो उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसके और हमारी कंपनी के बीच में जो लेन देन होगा, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो वर्क करती है। अगर एक एम्प्लॉई के उसमें देखें तो एम्प्लॉयज की जो सैलरी वगैरह है, उनका आने का पूरा शेड्यूल चेक करना, उनका टाइमिंग देखना ब्रेक का। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका वर्किंग आवर है 9 से 6 PM तक, 9 AM to 6 PM। अब उस बीच में वो जो ब्रेक लेते हैं उनका 1 आवर का ब्रेक है। अगर उन्होंने 1 आवर से ज्यादा ब्रेक ले लिया, या फिर सुबह वो लेट आते हैं या हाफ डे में आते हैं, तो उस तरह से जो उनका फाइनेंस, हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, पूरा शेड्यूल चेक करता है कि किस अकॉर्डिंग उनकी सैलरी हम दे, यानी कि किसी एम्प्लॉय ने अगर लीव ले ली है तो उसकी लीव में जो कट होगा सैलरी में से, वो सारा जो चीज देखा जाता है वो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से देखा जाता है। थर्ड है हमारा एचआर डिपार्टमेंट। एचआर की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कौन होता है, हर कंपनी में एक एचआर मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो क्या देखता है, जो कंपनी की स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, इन सबको देखता है, इन सबको बनाता है, और साथ ही वो कैंडिडेट्स को भी देखता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को कितने कैंडिडेट्स की नीड है, यानी कि कितने और कैंडिडेट्स, मान लीजिए एक
एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 एम्प्लॉइज की नीड है, बट वहां पे सिर्फ 60 कैंडिडेट्स ही हैं, यानी कि 40 कैंडिडेट्स की नीड है, उसके लिए वो हायरिंग जो करेगा इंस्टीट्यूट में जाके या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में, वो जो भी हायरिंग वगैरह करेगा उसके बाद हायरिंग में जो इंटरव्यूज वगैरह के जो सेशन वगैरह होते हैं वो कौन देखता है, हमारा एचआर डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, यानी कि एचआर जो मेरे कैंडिडेट्स को हायर कर लेता है मेरी कंपनी के लिए, तो उन कैंडिडेट्स को जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह का वर्क है हमारी कंपनी में, क्या प्लान है, किस तरह से पिच करना है, क्या क्या वर्क करना है, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कहाँ काम करना है, ये सारी चीजें हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करती है उस न्यू फ्रेश एक्सपीरियंस पर्सन जो भी कैंडिडेट हायर होता है, ठीक है। ये तो है हमारा बैक ऑफिस डिपार्टमेंट जो पीछे से सपोर्ट करता है हमारे फ्रंट ऑफिस, ठीक है। अब फ्रंट ऑफिस जो होता है वो क्या है, वो फ्रंट ऑफिस जो रोज डेली हमारे कस्टमर से इंटरेक्ट होता है। एक फ्रंट ऑफिस की डेफिनेशन है वो इंटरेक्ट विद पीपल्स डायरेक्टली, यानी कि जो डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स वगैरह से इंटरेक्ट होता है, ठीक है। ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। बीपीओ सेक्टर में देखा जाए तो जो फ्रंट ऑफिस होता है वो हमारा कॉल सेंटर कहलाता है। कॉल सेंटर यानी कि जो हमारे एजेंट्स, हमारे जो एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, जो कॉल्स लेते हैं, जो रोज कस्टमर से बात करते हैं, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर्स को प्लान पिच करते हैं, प्लान सेल करते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सर्विस जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है उसे हम बोल सकते हैं फ्रंट ऑफिस, ठीक है। अब फ्रंट ऑफिस भी टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है क्वालिटी, दूसरा होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब क्वालिटी यानी कि अब देखी जाती है मेरे जो एजेंट है, मेरे जो एग्जीक्यूटिव है जो फ्रंट ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जिन्हें हम कॉल सेंटर के नाम से जानते हैं, उसमें जो भी एजेंट वर्क कर रहे हैं उनकी जो क्वालिटी, क्वालिटी इन द सेंस कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं मेरे कस्टमर से, वो उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, वो 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हर एक चीज चेक करना, उनकी वॉइस चेक करना, वो कहीं फास्ट तो नहीं बोलते हुए एम्प्लॉय मेरे जो कस्टमर्स हैं, या फिर कस्टमर्स को आधा प्लान तो नहीं सुना रहे हैं, ये पूरी जो क्वालिटी चेक की जाती है वो हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनके द्वारा चेक की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या होता है, जिसमें कस्टमर्स को सपोर्ट किया जाता है, यानी कि अब जो फ्रंट ऑफिस है, जो हमारा एजेंट एग्जीक्यूटिव जो भी कस्टमर से बात कर रहा है, हमारे जो हेड होते हैं वो चेक करते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं, कॉल मॉनिटरिंग करते हैं कि मेरे जो एजेंट्स के द्वारा बात की जाती है कस्टमर से, उनकी जो वो जो कन्वर्सेशन करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अच्छे से प्लान पिच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को सही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर कस्टमर्स को जो डिमांड है उस चीज को फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा जो चेक किया जाता है वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस के द्वारा किया जाता है। ये है जो डिपार्टमेंट्स ऑफ बीपीओ है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस। अब हम इन्हें ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 4 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनके अंदर भी कई सारी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किस तरह की जॉब्स होती हैं, क्या वर्क होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में किस तरह की जॉब्स होती है, क्या वर्क होता है, किस तरह से मेंटेन करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है, क्या क्या नहीं करता है, क्या जॉब होती है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कितने टाइप्स के हैं, ये सारा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप सभी को डिपार्टमेंट ऑफ बीपीओ समझ आ गया होगा जो इसका इंट्रो है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली पढ़ेंगे। थैंक यू।